उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और अशोक लीलैंड कंपनी के टाइप से डिप्लोमा कोर्स कर ट्रेनिंग के रूप में काम कर रहे 300 युवाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब ये युवा 4.5 साल की ट्रेनिंग के बाद कंपनी से बाहर हो गए हैं, लिहाजा सारे बेरोजगार हैं। 1 साल से अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे इन युवाओं ने बुद्ध पार्क में आंदोलन शुरू कर दिया है। कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए नौकरी से निकाले गए इन युवाओं का कहना है कि आखिर सरकार की यूनिवर्सिटी और प्रशासन ने उनके साथ ऐसा छलावा क्यों किया। प्रदर्शनकारी निकाले गए युवाओं का कहना है कि उन्हें उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और अशोक लीलैंड के ट्रायप पर सिर्फ 4.5 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया गया, जिसमें ये कहा गया कि आपको रोजगार मिलेगा लेकिन 4.5 साल काम करने के बाद सभी कोर्स करने वाले 300 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जो किसी दूसरी कंपनी में काम न कर पाए क्योंकि उससे डिप्लोमा को UGC से मान्यता ही नहीं मिली है। लिहाजा सभी कर्मचारी पिछले 1 साल से ऊधम सिंह नगर से लेकर नैनीताल जिले में श्रम विभाग से लेकर कमिश्नर तक चक्कर काट कर चप्पलें घिस चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा एक कोर्स कराया गया था हमें, जो 4.5 साल का था, जिसकी अवधि हमें 5 साल लगभग हो गई थी डिप्लोमा पूरे करते करते। और एक इसमें स्मार्ट स्किल एक संस्था है जिनके तहत हमें वहाँ से पढ़ाया गया, और जो हमारी ट्रेनिंग पीरियड थी वो अशोक लीलैंड से कराई गई। तो हमने वहाँ पे अपना 4.5 साल अपना डिप्लोमा करा और उनका जॉब ट्रेनिंग वहाँ पे हमने जॉब भी करी है उसमें ट्रेनिंग। तो जो हमें डिप्लोमा दिया गया है इसकी कहीं मान्यता नहीं है और ये पूरी तरीके से फर्जी है एकदम। हमको एक कोर्स कराया गया, एक डिप्लोमा कोर्स जिनमें कंपनियों का भी टाई अप रहा है, और ये जो कोर्स है जो हमने कोर्स किया है, इस कोर्स को लेके हम लोग कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं डिप्लोमा को लेके, तो कोई भी कंपनी इसको वैलिड नहीं बता रही है। साथ ही साथ जिस कंपनी ने कोर्स कराया उसका मतलब सहयोग रहा है जिन कंपनियों का इस कोर्स को कराने में, वो कंपनी खुद इसको फर्जी बता रही है और फर्जी डिग्री बोल के उसने लड़कों को बाहर कर दिया।